अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर। दुबई से भारत जाने वाले सभी नागरिक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें और भारत से दुबई आने वाले भी इस वीडियो को देखते रहें। इसी वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 24 अप्रैल से जो है यूएई गवर्नमेंट ने सभी फ्लाइटें जो है सस्पेंड कर दी थी। शाम को नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया था और उसको जो है 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर से जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 14 मई तक। 14 मई के बाद जो है दोस्तों सस्पेंड करने के बाद 15 मई से फ्लाइटें स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन दोस्तों दुबई के कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 15 मई से फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ कह रहे हैं कि 10 दिन के लिए फिर से जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यूएई की बड़ी बड़ी एयरलाइन है उनकी तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो गया। जैसा कि देखा जाए इमरेट्स एयरलाइन हो गई, इतिहाद एयरलाइन हो गई, एयर अरेबिया हो गया, इसके अलावा दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। काफ़ी सारी वीडियो ऐसी भी आ चुकी हैं जिसमें बताया जा चुका है कि 31 मई तक जो है फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई हैं, लेकिन दोस्तों अभी 15 मई का जो कहा गया था उसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा आप दोस्तों को जो है लाजमी बता दिया जाएगा। अब बात कर लें यहाँ पर कि दुबई से भारत जाने वाली उड़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, भारत जाने वाली सभी फ़्लाइटें चल रही हैं। अगर आप यूएई से भारत जाना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, वो सर्टिफिकेट लेकर अपने साथ आप जो है वहाँ पर जाएंगे तो आपका टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है आप ट्रैवल कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, लेकिन अभी भारत से आप वापस नहीं आ सकते, आप भारत जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत की फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी तो आप दोस्तों को लाजमी बता दिया जाएगा, अगर आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।